और इस बीच एक बड़ी खबर है, भ्रष्टाचार पर सीएम योगी का सख्त एक्शन हुआ है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के इंजीनियर को सस्पेंड किया गया। बस्ती में सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर भी निलंबित कर दिए गए हैं। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन हुआ है और दो अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। बिल्कुल, और देखिए जीरो टॉलरेंस की बात योगी आदित्यनाथ की सरकार हमेशा करती रही है और अब भी यहां ये कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार पर सीएम योगी आदित्यनाथ का ये सख्त एक्शन देखने को मिला है, जहां संबंधित अधिकारी पर अब गाज गिरी है। भ्रष्टाचार के चलते गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का इंजीनियर सस्पेंड हो चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद ये एक्शन हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार के। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, किस तरीके के आरोप इन पर लग रहे थे, क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, लगातार एनसीआर की अगर बात करें तो नोएडा, गाजियाबाद, इन तमाम क्षेत्रों से अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें आ रही हैं और मुख्यमंत्री तक भी ये शिकायतें पहुंची हैं, चाहे वो आईजीआरएस के माध्यम से पहुंची हो, सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से। तो इसी कड़ी में अब देखिए एक बड़ी कार्रवाई की गई है गाजियाबाद में, जहां पर साहिबाबाद क्षेत्र में ये मामला सामने आया था कि एक बहुमंजिला इमारत जो है उसको अवैध रूप से निर्मित किया गया, उसका जो नक्शा था वो पास नहीं था, बिना नक्शे के इस बिल्डिंग को, बहुमंजिला बिल्डिंग को बना दिया गया। और जब ये मामला सामने आया तो उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए निर्देश दिए कि जो वहां के अवर अभियंता है इससे संबंधित उनको हटा दें, और अब फिलहाल उनको मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद निलंबित कर दिया गया है। और ये मानकर चलिए कि ये सिलसिला यहीं पर थमने वाला नहीं है, क्योंकि ऐसी और भी कई शिकायतें हैं एनसीआर क्षेत्र की, खासतौर से नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण को लेकर शिकायतें हैं। तो अब ये शुरुआत हुई है और देखिए कई और लोगों पर गाज गिरना इसके बाद तय माना जा रहा है। इसी तरह से देखिए अगर बस्ती के मामले की बात की जाए तो वहां पर जो सरकारी कामकाज है, शासकीय कार्य प्रणाली है, उसमें गड़बड़ी के मामले में भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें थी तमाम। इन सब चीजों को लेते हुए कि ट्रांसपेरेंसी के साथ काम नहीं किया जा रहा है, शिकायतें मिली थी, जिसके बाद वहां के जो असिस्टेंट कमिश्नर थे वाणिज्य कर सचल दल के बस्ती के, उनको हटाया गया और उनकी जो जांच है वो गोरखपुर के ज्वाइंट कमिश्नर को सौंप दी गई है मुख्यमंत्री के निर्देश पर। तो देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात लगातार मुख्यमंत्री करते हैं, उसी कड़ी में ये कार्रवाई हुई है। इससे पहले हमने देखा जब से योगी सरकार पार्ट टू आई है तो किस तरह से डीएम पर, पुलिस कप्तान पर, सभी पर एक एक करके गाज गिर रही, और इसी कड़ी में अब ये गाजियाबाद में अवर अभियंता पर, जिसने अवैध निर्माण में कहीं ना कहीं उसकी भूमिका कह सकते हैं रही है, और दूसरी तरफ बस्ती में जिस तरह से अधिकारी के ऊपर कार्रवाई की है, और ये आगे कहा जा रहा है कि कई और लोगों पर अभी गाज गिरना बाकी है, कई और लोगों पर इस तरह की आगे निलंबन की कार्रवाई होना तय है। शुक्रिया शैलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये दो अधिकारी हैं जिन पर ये गाज गिरी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का इंजीनियर सस्पेंड हुआ है और इसके साथ ही बस्ती में सेल्स टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर भी निलंबित है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते रहते हैं और अब ये कार्रवाई भी उसी का नतीजा।